कैसे दोस्तों, मैं अनुल चौहान स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल चौहान टैग में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि टैग्स डिस्क्रिप्शन क्या हमारी वीडियोस में मैटर करते हैं, और मैं बता दूं आपको, बिल्कुल भी मैटर नहीं करते। बिल्कुल हम नहीं बोल सकते, लेकिन मैं थोड़े से प्रूफ दिखाऊंगा, उससे प्रूफ ये हो जाएगा कि मैटर नहीं करते। तो चलिए वीडियो का एंड देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। यूट्यूब पे शायद किसी ने बताया होगा इसके बारे में, और मेरे पास प्रूफ भी है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो भाई हम आ चुके हैं वीडियो की तरफ। तो अब बात करते हैं टैग जो डिस्क्रिप्शन होता है हमें डालने की क्यों ज़रूरत नहीं है। तो भाई प्रूफ मेरे पास ये है। तो भाई आप बोलोगे क्या प्रूफ है भाई, मैं आपको बता दूँगी। मेरे 105 व्यू से ऊपर नहीं गए कभी, लेकिन इस वाली वीडियो पे 112 व्यू आ गए। तो भाई इसमें ऐसा क्या था जैसे 112 व्यू आ गया? आप बोलोगे 112 तो बहुत कम है, लेकिन भाई मेरे लिए बहुत ज़्यादा है 112, क्योंकि मेरे 112 कभी नहीं आए थे। और इस वीडियो में आपको बता दूँ, ना मैंने टैग डालता ना ही डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा लिखा था, आप देख सकते हो। और टैग तो भाई मैंने डाला ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं डाला था टैग तो। और भाई अब बात करते हैं कि मेरे कैसे, मतलब कैसे अच्छे व्यू आ गए। तो भाई मैं आपको बताऊं कि टैग डिस्क्रिप्शन ना मैटर तो करता है, लेकिन आपको हर वीडियो में डालना चाहिए। क्या मतलब हो सकता है आपकी वीडियो से ही वायरल हो जाए टैग डिस्क्रिप्शन से, लेकिन भाई मेरी वीडियो तो मतलब बिना टैग डिस्क्रिप्शन के ही मतलब इतने व्यू आ गए थे इसमें। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ऐसे व्यू आए थे। तो भाई एक तो बात बताऊँ मैं कि आपका ना थंबनेल क्लिकेबल होना चाहिए, कि बंदा ज़रूरी दबाए अगर आपकी वीडियो सजेस्टेड में आए तो उसके। और एक भाई कि आपके जो क्या बोलते हैं, आपका कोई अच्छा सा कंटेंट होना चाहिए। जैसे कि मेरा ये कंटेंट था, ये एक बड़े यूट्यूबर के ऊपर था, इसलिए मेरे इतने अच्छे व्यू आए, जब ही मेरे इतने अच्छे व्यू आए। लेकिन भाई अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो टैग और डिस्क्रिप्शन ज़रूर डाल दिए, ऐसा नहीं कि मेरे कहने से ना डालिए, ज़रूर डालिए। शायद टैग डिस्क्रिप्शन के वजह से ही आपकी वीडियो वायरल हो जाए। तो भाई मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर देना, लेकिन सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा के जाना, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए।